हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस की जर्नल एंट्रीज, लेकिन शार्क टैंक के स्टाइल में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम किस किस कैटेगरी की जर्नल एंट्रीज को कवर कर रहे हैं वीडियो में। अक्रूवल की एंट्रीज, रिवर्सल की एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज, रीक्लास एंट्रीज, इंटर कंपनी एंट्रीज और सिचुएशन बेस्ड बहुत सारी एंट्रीज को भी मैं इसमें कवर करूंगा। एंट्रीज पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार अपने गोल्डन रूल्स को रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे हमारी सारी की सारी एंट्रीज होती है। हमारा पहला रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हमारा थर्ड रूल क्या था? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके ग्रेट, बढ़ते हैं अब हमारी जनरल एंट्रीज पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्रूड एक्सपेंस का एग्जांपल। शार्क टैंक लिमिटेड हैज पेड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग टर्म लोन फॉर मार्च इन अप्रैल। तो मार्च में हम लोग क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। हमारे यहाँ पे एक्सपेंस दिखा दिया और हमने लायबिलिटी क्रिएट कर ली, क्योंकि अभी हमने इसकी पेमेंट नहीं की है। अब अप्रैल में जब इसकी पेमेंट होगी तो हम लोग अप्रैल में क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो हमने लायबिलिटी क्रिएट की थी मार्च में, उसको हमने डेबिट कर दिया, यानी कि वो पे ऑफ कर दी। इसी तरह हम लोग एक अब अक्रूड इनकम का भी एग्जांपल देख लेते हैं। क्रेडिट सेल टू अश्नीर। अब क्रेडिट सेल हमारी एक तरह से अक्रूड इनकम ही होती है। हम इसको दिखाते कैसे? एट द टाइम ऑफ सेल हम लोग क्या एंट्री करेंगे? अश्नीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अश्नीर यहाँ पे हमारा क्या है? डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, जब हम लोगों को पेमेंट मिलेगी अश्नीर से, तब हम लोग क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू अश्नीर अकाउंट। ओके ग्रेट, बढ़ते हैं हमारी सेकंड एंट्री पे, रिवर्सल एंट्री। तो यार, रिवर्सल एंट्री क्या होती है? जो हमने अभी अक्रूवल एंट्री पोस्ट की है, वो अगले महीने या अगले क्वार्टर, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस, वो ऑटो रिवर्स होती है और हम लोग फिर से अक्रूवल बुक करते हैं, तो उसको हम लोग रिवर्सल एंट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं 10,000 का हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है, तो दिसंबर में क्या एंट्री हुई होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। अब जनवरी में क्या हुआ होगा? ये एंट्री रिवर्स हो गई होगी। तो जब ये रिवर्स हुई होगी तो बुकिंग क्या हुई होगी? इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। मतलब जो पिछली बार डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया और जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दिया। अब ये तो थी दिसंबर का रिवर्सल। अब जनवरी में क्या बुकिंग होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। लेकिन जो अमाउंट है वो हो जाएगा आपका 20,000, 10,000 दिसंबर का प्लस 10,000 जनवरी का। तो अगर आप लोग देखेंगे तो जनवरी के महीने में हमारा जो नेट अमाउंट जीएल के अंदर जा रहा है, वो जा रहा है 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 10,000 का। तो हमारा कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अब आप तो सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, रिवर्स करके रीबुक। तो कई बार क्या होता है, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए कंपनीज इस तरीके का मेथड फॉलो करती है। अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है आपका जीएल पे, वो उतना ही आ रहा है। बढ़ते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंट्रीज। जो भी आपको करेक्ट एंट्रीज बुक करनी थी, आपने उनकी जगह कोई मिस्टेक की और आपने एंट्रीज को बुक कर दिया, तो आप उनको अब रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। क्रेडिट सेल्स टू अमन रिकॉर्डेड इन अश्नीर अकाउंट। हमने यहाँ पे गलत एंट्री क्या की है? अश्नीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने क्या कर दिया? अश्नीर को अपना डेटर बना लिया, जबकि हमने उसको सेल नहीं की है। एक्चुअल में हमारी करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने सेल्स को सही बुक किया है। हमने गड़बड़ कहाँ की है? अपना डेटर बुक करने में। तो इसका हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री बुक करनी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अमन अकाउंट डेबिट टू अश्नीर। यहाँ से अश्नीर का बैलेंस जीरो हो जाएगा इससे, और अमन के अकाउंट में हमारा बैलेंस खड़ा हो जाएगा, यानी अमन हमारा डेटर बन जाएगा। ओके ग्रेट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 10,000 रिसीव फ्रॉम अनुपम रिकॉर्डेड एज 1,00,000। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है? हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ओवरस्टेटेड हो गया है। ओवरस्टेटेड आपका क्या होता है? जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू बुक कर देना। और अंडरस्टेटेड क्या होता है? जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उससे कम अमाउंट से एंट्री कर देना। तो हम लोगों ने इनकरेक्ट एंट्री यहाँ पे क्या की है? बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुपम अकाउंट 1,00,000 से। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुपम अकाउंट, बट 10,000 से। तो अगर हम इस एंट्री में देखें तो हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों सही है, लेकिन जो हमने गड़बड़ की है वो की है अमाउंट में। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे? अनुपम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 90,000 से हम एंट्री को बुक कर देंगे। तो अब अगर आप नेट इम्पैक्ट देखें एंट्रीज का,
तो हमारे जो जेल को हिट कर रहा है वो सिर्फ 10,000 का अमाउंट हिट कर रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आज की वीडियो में हम बस इतना ही कवर कर रहे हैं। बाकी की जो हमारी 3 कैटेगरीज रह गई हैं, रीक्लास, इंटर कंपनी और सिचुएशन बेस्ड एंट्रीज, इनको मैं अपने अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक भी ज़रूर करना।